कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। अरे धर्म का चश्मा उतार के देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूबर विवेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वर्ल्ड की नंबर वन क्रिकेट टीम के बारे में, जो खेलती कम हंसाती ज्यादा है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, जो कि हाल में ही चैलेंज किया कि इस बार की वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना है। तो आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। एक मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम को, वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट और देखे भी हैं, हम लोग आज तक जीते नहीं। इस दफा यार प्लीज, वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू डू इट। हमें इंडिया को हराना है इस दफा, जो मर्जी हो। अबे ये तेरी बस की बात नहीं, बाप को भी। तो देखा दोस्तों आपने, इस सुजले हुए चौहान को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा सपना है कभी पूरा हो नहीं सकता। तो दोस्तों आपने सरफराज की तो नाम सुनी होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान में चूतियों की गिनती होती है तो ये नंबर वन पे आता है। ये क्या कह रहा है जरा सुनिए। काले, तेरी अम्मी आज कहाँ बैठी हुई है? क्या पढ़वा के आया आज तू? What's he saying there, Ramiz? Difficult really to translate that. ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर। तो मैं इस सरफराज को बस इतना ही कहना चाहूंगा, अबे वो चले टावे जैसे दिखने वाले इंसान, कभी खुद की शक्ल आईने में देखी नहीं ना? देखना भी बस नहीं तो डर जाएगा। और जब तू पैदा हुआ था ना, तेरी माँ ने तुझे खुद पहचाने से इनकार कर दिया क्या कि ये जले टावे जैसे दिखने वाला लड़का मेरा नहीं हो सकता? चल माना मैंने तुझे उस पर भड़ास निकाल ली थी, तो तू कम से कम उसकी लैंग्वेज में तो निकालना। ओह सॉरी, मैं ये तो भूल ही गया कि पाकिस्तानियों को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तुम लोग तो इंग्लिश का सामूहिक बलात्कार करते हो, जरा आप लोगों की इंग्लिश पब्लिक भी तो सुने। तो ये सुनिए। To enjoy yourself yesterday? Yeah, I'm very very happy because first time I'm standing like that time in the in a wicket. So I'm very well enjoyed the batting when they bouncer for me and just okay, come on, one more. Then I'm... अरे कहना क्या चाहते हो? सरफराज सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी थी और अल्लाह का करम भी था, ये परसेंटेज कितनी थी, 50-50, 40-60? सर देखें, मैं समझा नहीं सर आपका सवाल परसेंटेज के हवाले से। माता-पिता को अपना काम करना। Raza, congratulations, well played. You played very well, but you got your team out of a hole. Your bowling's looking good. The openers are looking good. The middle order looks to be a problem. First of all, thanks to Almighty Allah. I think it's a great win today. And credit goes to the Good work done by Umar Gul, good work done in fact by all your bowlers. But I've got to ask you about the performance of the new debutant, Abdul Rahman, who I thought bowled well and batted quite fairly. Young sir, yes, I think he's bowling really well and is a mature player, and because he's playing 5-6 years, he's playing first class cricket, that's why his first game, but I think he's performed well in both ball and bat. Yeah, we try hard, catching every day in the morning, coach is very working hard. Ye hai aam zindagi. Would you believe it? He should have really called aggressively. Ajmal there bailing out of the attempt. Try hard. Next time, I think we'll not drop more catches. But you ended up catching them yourselves in the end, didn't you? Yeah, I tried them last catch. I go, okay, I'm good. Yeh hai Mentos Zindagi. Mentos, dimag ki batti jala de. चल मान लिया कि मैंने इस पारी का जो तेरा वर्ल्ड कप है तू जीतने वाला है, लेकिन तेरी फील्डिंग कैसी है ये भी तो देखी जाए।
और इन्हें वर्ल्ड कप चाहिए। Beautifully bowled by Shoaib. He went from the hook. Pakistan Cup के लिए तो लिहाजा कप्तान और कोच ने अपनी अपनी टीम्स यहाँ पर सेलेक्ट की हैं। लिहाजा पंजाब के लिए चुना गया नसीर शफीक को। और यहाँ पे दो मर्तबा कलाबाजी खा के गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या। और इन्हें वर्ल्ड कप चाहिए। The wind pushing the ball across. There we can see it, just a little tickle. Picked himself up a boundary. Talking about how he was in to replace Phil and they'll be hoping. Whoops! Hold on to those pens. Wait! Cool. Picked himself up a boundary. Talking about how he was in to replace Phil and they'll be hoping. Whoops! तो देखा दोस्तों आपने, ये थी पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम की फील्डिंग और ये लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे। कोई बात नहीं, इस पारी के वर्ल्ड कप में तो हम लोग गांड फाड़ के रख देंगे। तो दोस्तों ना जाने इन नमूनों पे कितने फनी गाने भी बने हुए, ना जाने कितने फनी गाने बने हैं। उनमें से एक गाना मैंने आपके लिए भी खोज के लाया, तो ये सुनिए। इन सब बातों को अब साइड में रखते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो ये टीम है, जब भी मैच आती है तो हम लोगों यहाँ क्या होता है, हम लोग गम मनाते हैं। और ये पाकिस्तान किस तरह गम मनाते हैं जरा ये देखिए। इन लोगों को मैं सिखाएगा, वल्ला कसम खुदा के इन लोगों ने मेरे को रोने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा खेलते हैं कोई, कसम खुदा के बर्बाद किया इन क्रिकेटर्स ने हमको। और ये भी माँ के बेटे हैं, ये देखो इन्होंने भी माँ का दूध पिया है। तुम लोगों ने माँ का दूध नहीं पिया। तो देखा दोस्तों आपने, ये थिंग की पाकिस्तान और ये थिंग की पाकिस्तानी आवाम, जो कि पाकिस्तान की टीम हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनका काम है टीवी फोड़ना, और तो कुछ आता नहीं है टीवी फोड़ने के अलावा और रोने के अलावा। खैर इन सब बातों को मैं साइड रखता हूँ। और पाकिस्तानियों, मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा, तुम लोगों की ये बस की बात नहीं है। तुम लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दो, जाओ गली के लड़कों के साथ तुम लोग क्रिकेट खेलो, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। और तुम लोगों ने चैलेंज दिया है कि इस पर का वर्ल्ड कप तुम लोग जीतोगे, तो देखते हैं भाई तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आए कितने गए, और एक तुम्हें भी देख लेते हैं। ऐसे तो तुम्हें ना जाने कितने वर्षों से देखी जा रही है, और एक बार और देख ली जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाते जाते आपसे बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, कर लेना भाई, कर लेना, कर लेना, कर लेना, जाओ
जय हिंद।